एक डॉक्टर क्या करता है? क्लिनिक में काम करता है, ओटी में काम करता है, मीटिंग्स अटेंड करता है, ही अटेंड्स कॉन्फ्रेंस कॉल्स, राउंड्स, डिक्टेटिंग, चार्टिंग, शेड्यूलिंग, स्पीकिंग विद पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज, अटेंड्स कॉन्फ्रेंसेस, अटेंड्स एमएमएस, अटेंड्स बोर्ड मीटिंग्स, मीट्स विद कलीग्स, मीट्स विद एडमिनिस्ट्रेटर्स, मीट्स विद इंजीनियर्स, टेक्स कॉल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड बिसाइड्स दैट, एक डॉक्टर को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है, और ज़्यादातर डॉक्टर्स इस काम में माहिर होते हैं क्योंकि वे झूठ बोलना भी थोड़ा थोड़ा जानते हैं। बुरा ना माने, ये तो प्रोफेशन की डिमांड है। एज एग्जाम्पल, झूठ नंबर वन, मेरा परिवार ही मेरे लिए सब कुछ है, बाकी सब बाद में। पर सच क्या है? मेडिसिन इज नंबर वन। मुझे कोई पर्सनल वेकेशन नहीं मिलता, सिक लीव भी नहीं मिलता। मैं अपने बेटे के पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स में जाना चाहता हूँ, बट आई जस्ट कांट। आई कांट लीव माई क्रिटिकली इल पेशेंट्स और इन द मिडल ऑफ चेक आउट और लीव माई टीम स्क्रैम्बलिंग टू कवर फॉर मी। झूठ नंबर दो, मैं 20 मिनट्स में हॉस्पिटल से निकलने वाला हूँ, विद इन मिनट्स आई विल बी देयर विद यू। बट द ट्रूथ, आई रियली हैव नो आइडिया कि मैं कब हॉस्पिटल से निकलूँगा। मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ कि मैं अब तक घर नहीं पहुँचा, फिर भी मैंने तुम्हें एक टाइम बता दिया ताकि तुम्हें सुनकर अच्छा लगे। झूठ नंबर थ्री, श्योर डियर, नेक्स्ट वीक बाहर चलने का प्रोग्राम बना लो, हम साथ चलेंगे। बट द ट्रूथ, आई रियली वॉन्ट टू बी विथ यू, बट ऑनेस्टली मेरा उन पेशेंट्स पर कोई कंट्रोल नहीं है जो इमरजेंसी में तब एडमिट हो गए जब मैं जस्ट निकलने ही वाला था। झूठ नंबर फोर, आई प्रॉमिस लाइफ विल गेट बेटर। बट द ट्रूथ, हनी डोंट एक्सपेक्ट मच, क्योंकि हमारे स्टेटस और सैलरी में बढ़ोतरी ज़रूर होगी, पर मेरा वर्क शेड्यूल ऐसा ही रहेगा। झूठ नंबर फाइव, मैंने जिम ज्वाइन कर लिया है, रेगुलरली जाऊंगा, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स भी कराऊंगा जो मेरे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं शार्प 1:30 पे लंच खा लेता हूँ, आखिर ये मेरे हेल्थ का सवाल है। बट द ट्रूथ, सॉरी डियर, आई कैंट, क्योंकि मुझे अपने पेशेंट्स के साथ ऑनेस्ट होना पड़ता है। सो नाउ अ वेरी हेल्पफुल हिंट फॉर ऑल प्राउड डॉक्टर्स वाइव्स, यही हमारे जीवन की सच्चाई है। बढ़ते स्टेटस और सैलरी के साथ हमें ये बहुत बड़ा बोझ भी उठाना ही पड़ेगा। आज मेरे हस्बैंड सुबह 3:30 बजे एमरजेंसी कॉल के लिए हॉस्पिटल गए हैं, पर रात को कब वापस आएंगे मुझे नहीं पता। फिर भी मैं खुश हूँ क्योंकि जब भी मौका मिले वो हमारे साथ रहने की कोशिश ज़रूर करते हैं, और मुझे लगता है सारे डॉक्टर्स ऐसा ही करते होंगे। सो माई डॉक्टर हस्बैंड, अब तो आपकी सच्चाई पूरी दुनिया जानती है, कुछ कहना है आपको? मुझे कहना है, इट इज़ योर डीड दैट मेक्स अस फील प्राउड। मे ऑल योर डेज बी एज वंडरफुल एज यू हैव मेड ऑल ऑफ माइन। इट्स ग्रेट टू हैव अ डॉक्टर इन माई लाइफ।